हेलो एंड वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिखाओ गुरुजी पर। मेरा नाम है नवाज। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने आधार कार्ड को घर बैठे ही बिना किसी की मदद के बिना आधार केंद्र पर जाए घर बैठे ही अपने मोबाइल या पीसी से आधार को किस तरह फुली अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों आप इसमें अपना नाम बदल सकते हैं, एड्रेस बदल सकते हैं, लैंग्वेज बदल सकते हैं, जेंडर बदल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हैं, मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। दोस्तों पूरा आधार कार्ड आप अपने घर बैठे अपने हाथों से अपने मोबाइल से या पीसी से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपडेट होने के बाद आपको आधार कार्ड डाउनलोड भी करना पड़ेगा। तो आपने अगर हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया है कि आधार कार्ड को किस तरह आप अपने आसानी से अपने घर बैठे ही मोबाइल या पीसी से डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो देख लीजिए, आपकी बहुत हेल्प होंगी दोस्तों। उसके बाद आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलते हैं मेरे पीसी की तरफ। और हाँ एक बात और दोस्तों, जो काम मैं अपने पीसी से कर रहा हूँ आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और साइड में नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों आधार कार्ड अपडेट करने के लिए हमको एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ वो सेम आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमको आधार कार्ड की वेबसाइट सर्च करना है, जो कि ये है UIDAI। यहाँ पर सर्च कर देना है और जैसे सर्च करोगे तो आप आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सिंपली क्लिक करके भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर माय आधार पर आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिया है दोस्तों, देख सकते हैं आप अपडेट डेमोग्राफी डेटा ऑनलाइन। या आप अगर नीचे आओगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अपडेट डेमोग्राफी डेटा ऑनलाइन। तो यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपना नेम, डेट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस एंड लैंग्वेज ऑनलाइन चेंज कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, प्रोसीड टू अपडेट आधार और चेक अपडेट स्टेटस। और अगर आप नीचे कर्सर करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अपडेट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मैं ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, तकरीबन 32 डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है, जो आधार आपको अपडेट करना है उस आधार कार्ड के यहाँ पर आधार नंबर इंटर करना है। और यहाँ पर आपको इंटर कैप्चा करना है। यहाँ पर आप सेंड OTP इंटर करोगे दोस्तों, तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर 6 डिजिट का OTP सेंड होगा, वो आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। तो मैं सेंड OTP कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे मोबाइल पर OTP आ गया है, मैं यहाँ पर OTP इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर आप लॉग इन कर दीजिए। लॉग इन करते ही दोस्तों हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर लिखा है अपडेट डेमोग्राफी डाटा, तो क्लिक करना है आपको। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर लैंग्वेज, जेंडर, एड्रेस, ईमेल आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप लैंग्वेज यहाँ पर अनलिमिटेड बार चेंज कर सकते हैं, जेंडर आप एक ही बार चेंज कर सकते हैं, एड्रेस भी आप कई बार चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस आप कई बार चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी कई बार चेंज कर सकते हैं, पर नेम आप दो बार चेंज कर सकते हो और डेट ऑफ बर्थ आप एक ही बार चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सही से जो भी सिलेक्ट करना है वो आप ये सोचकर सेलेक्ट करिए कि आपको कितने अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। तो मैं अभी आपको अपना एड्रेस किस तरह चेंज करेंगे वो बता देता हूँ। सेम प्रोसेस जो मैं एड्रेस में आपको बता रहा हूँ, सेम आप जो भी यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं तो वही प्रोसेस उसमें भी रहेगा दोस्तों। मैं एड्रेस आपको करके बताता हूँ। तो मैं एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ।
आपको जो जो चीज़ें सिलेक्ट करना है दोस्तों, जो जो चीज़ें चेंज करना है, यहाँ से आप किक सब सिलेक्ट कर लीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। तो आप कनेक्ट करते हैं, हम प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको बता रहा है वही बातें जो मैंने आपको बताई कि आप कौन सी चीज़ें कितने टाइम चेंज कर सकते हैं। तो यस आई यहाँ पर क्लिक कर देंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो आप क्लिक करते ही आपको किस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, आपको अपने जो आधार नंबर आपने जिसका इंटर किया था उस आधार का एड्रेस यहाँ पर आपको नज़र आएगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वह यहाँ पर आपको फिल करनी है। दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट विलेज टाउन सिटी करना है, तो यहाँ पर मैं जुले कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं ये पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट धुले आ गया है, स्टेट महाराष्ट्र आ गया है, ऑटो फिल हो गया दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हमने पूरा एड्रेस वगैरह फिल कर दिया है और अब हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो मैं यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपने वो डॉक्यूमेंट को सेव रख कर रखा है वहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है। तो यहाँ पर आप उसका एक इमेज देख सकते हैं, तो प्रीव्यू कर देंगे हम आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो एड्रेस चेंज किया है वो हमको यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आपको एड्रेस में अभी भी कोई गलती नज़र आ रही है तो आप यहाँ पर एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके उसे फिर से दुरुस्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैप्चा डाल देता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ सेंड ओटीपी पर जब क्लिक करूँगा तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिर एक और ओटीपी आएगा, तो मैं यहाँ सेंड ओटीपी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर OTP इंटर कर देता हूँ दोस्तों। ये OTP इंटर करने के बाद यहाँ पर आए हो ये यहाँ पर टिक मार्क टिक कर देना है दोस्तों। इन जो भी टर्म्स है आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप मेक अ पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज नज़र आएगा। तो दोस्तों मैंने अभी यहाँ पर एड्रेस चेंज किया है तो मुझे यहाँ पर 50 रुपीज़ अमाउंट पे करना होगा। तो दोस्तों आपके लिए एक फ़ायदे की चीज़ है, आप यहाँ पर अगर 2 से 3 चीज़ भी अपडेट करते तो उसके लिए भी आपको 50 रुपीज़ ही अमाउंट पे करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपने क्रेडिट कार्ड से अपना ये 50 रुपीज़ पे करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट, CVV, नेम ऑफ कार्ड यहाँ पर इंटर करना है, तो कर देता हूँ। दोस्तों इंटर करने के बाद मैं यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया है। तो अगर आप इस स्लिप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको डाउनलोड करके बताता हूँ। तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो गई हमारी स्लिप, मैं इसे ओपन करके आपको बताता हूँ। तो कुछ इस तरह के आपको स्लिप देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में दिखेंगी दोस्तों, आधार नंबर वगैरह भी। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड आप सिंपली अपने मोबाइल या PC से किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी प्रिंट किस तरह निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी बनाई वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।